जंगल में सीन होता है ना लैंडिंग में भी। अभी ड्राइव जो स्टार्ट हुई है, चलो मैं ऐसे अपने आप दिखा दूं पहले। नहीं, एक मिनट रुक गया। ओके, यहाँ से जो ड्राइव स्टार्ट हुई है हमारी अभी, ये बहुत सैंडी ड्राइव नहीं है मोरे में गेम रिजर्व की। वेजिटेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, एंडुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो फोर व्हील ड्राइव लो लगा रखा है अभी एंड गाड़ी आराम से चल रही है, बस ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम। और थर्ड ब्रिज जो रास्ता हमने लिया है वो लंबा वाला रास्ता है, उसमें देखते हैं कि शायद वाइल्ड लाइफ हमें ज़्यादा मिलेगी। वी आर नॉट श्योर कौन से पग मार्क्स हैं, बट नहीं गाड़ी फंस गई थी हमारी थोड़ी इसमें सैंड के अंदर, ये तो फोर हाई में ही स्टेयरिंग को करके निकल गई। बहुत टफ ड्राइव नहीं है, नॉर्मल है, मतलब फोर व्हील ड्राइव के लिए नॉर्मल है। यहाँ बची थी गाड़ी हमारी, इट्स काफ़ी डीप सैंड है। काफ़ी इंडिया से सिमिलर है, अगर आप मध्य प्रदेश में जाके देखेंगे जंगल, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता बट ठीक ठाक होता है क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया, तो वहाँ पे आपको जितना मिलेगा वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा थोड़ा बहुत। फ़र्क इतना है कि जो यहाँ का ट्रैक है उस ट्रैक में आपको सैंड मिलेगा, इंडिया में सैंड नहीं होता है, इंडिया में मड होता है, तो यहाँ पे सैंड होता है वो फ़र्क मिलेगा। और इंडिया में कुछ जंगल साइड सी बात है साउथ में ज़्यादा ग्रीन होते हैं, बट ट्रॉपिकल जंगल तकरीबन ऐसे ही होते हैं, तो काफ़ी सिमिलर लगता है इंडिया से। अबे ये तो रास्ता बता रहा है इसके अंदर से जाने का क्या? नहीं पानी में बहुत सही बहुत शानदार सामान देख ले आसपास, मैं निकल रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक जा मैं देखने दे, एक मिनट रुक जा। चेक द ब्यूटी हियर, वी हैव समवेयर इन मोरेमी डेल्टा, सामने हिप्पोज हैं हमारे,
हम बहुत ही लंबी एक टायरिंग ड्राइव पे निकले हैं, 40-50 किलोमीटर का बिल्कुल ग्रेवल रोड है, उसमें 4x4 भी लगाना है, सैंडी है और बहुत छोटा सा ट्रैक है और आसपास में पेड़ है तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। वहाँ से निकल के फिर हम डेंस फॉरेस्ट में होते हुए जिसमें श्रब्स आ गए, फिर वहाँ से निकल के फिर हम इधर आए। यहाँ पे हम एकदम अंदर इतने सारे हिप्पोस टहल रहे हैं जो हम देख रहे हैं इनको, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अफ्रीका। अब देखो कितना शानदार इलाका है, पीसफुल, थोड़ा सा रिस्की भी क्योंकि इस एरिया में शेर भी है, पीछे घास भी है, सो वी आर वेरी केयरफुल और हम गाड़ी से बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, सो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी आप पे आती हैं, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। उस वाले में दूर पीछे पोस्ट बैठे, यहाँ से नहीं देख पाएंगे, सो या इट्स अ गुड वन। और बहुत ही मतलब जो रास्ता है पूरा आप देख सकते हो, ट्रैक बना हुआ है छोटा सा, इसी ट्रैक पे जाना है बस। लेकिन इस साइड पे अभी हम गाड़ी हैं यहाँ से निकाली है, ट्रैक तो छोटा सा बना हुआ है लेकिन हम इसको कर नहीं रहे क्योंकि हमें ये नहीं पता डीप कितना है। और सामने अगर आप देखो एक बहुत बड़ा सा एक स्टीप एक किंक है देखो, तो मोमेंटम से भी गाड़ी लेके नहीं आ सकता मैं क्योंकि वहाँ पे मेरी स्पीड टूटेगी। तो अभी हम देखते हैं कोई वो टर्न मतलब दूसरा कोई रास्ता निकालें, इस पर जाना तो एडवाइजेबल है नहीं इसलिए क्योंकि आगे गड्ढा भी दिखाया मैंने आपको और ये डीप कितना है, कितना स्लिपरी है पता नहीं, हमारे को कोई गाड़ी भी हमारे पास नहीं है हमें गाइड करने के लिए, सो वील ट्राई टू टेक सम अदर रूट। फलांग जाऊं बहुत ऑब्जर्व करने के बाद जो सबसे लीस्ट रिस्की था जिसमें कुछ था ही नहीं, हमने डुबो के देखी डंडी तब जाके हमने ट्राई किया है और ऐसे ही ट्राई करना चाहिए। अब ये बस ट्रैक को हमें फॉलो करना है और हमारा जो GPS है वो बता रहा है रास्ता, करते करते जा रहे हैं, पूछने पाछने के लिए कोई नहीं है, अकेले हैं बस यहाँ पे हम। बड़ी एडवेंचर ड्राइव है आपकी, मोरेमी की डेल्टा है ना ये, उसमें पानी वाटर क्रॉसिंग मिल जाते हैं और ग्रास है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ हम नाई पैन से हो गए वहाँ से बिल्कुल डेजर्ट था, तो यहाँ बहुत अच्छा फील आता है, काफ़ी तक इंडिया लगता है एंड पेड़ अच्छे हैं, वेजिटेशन अच्छा है। अरे यार ये जगह तो बस ट्रैक हल्का सा बना हुआ उसी में चलते जा रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ड्राइवल ड्राइव यहाँ पे आप बहुत ही नैरो रास्ते में चल रहे हैं और नेविगेशन भी फेल हो गया है हमारा, जो ऑफ रोडेड था वो भी फेल हो गया है, तो अपने डायरेक्शन के सेंस से चल रहे हैं हम जाने के लिए और वाइल्ड लाइफ अब ज़्यादा नहीं मिल रही है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, लेकिन ड्राइव बहुत इंजॉयबल है क्योंकि इसमें टेरेन आपकी पूरी वेजिटेशन बदल गया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आपने भी सामने देखा। लेकिन अभी 2 घंटे से हमारे साथ क्या हुआ है कि हम रास्ता भूल गए, हमारे पास ऑफलाइन मैप्स हैं गार्मिन के, वो भी चक्कर आ गए पूरा और यहाँ के साइन बोर्ड भी देखा उसमें भी कन्फ्यूज़ हो गए, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर जाके एक जगह रास्ता दिखा जिसमें आर्मी का वो कैंप था, जिसमें गए हम और वहाँ जाके फिर थोड़ा गाइडेंस लिए तब निकले हैं, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। जिस तरह का रास्ता है, जिस तरह से हम घूम रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, रास्ता निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं, दैट्स रियली गुड और मज़ा आ रहा है। इसी विल्डरनेस के लोग पैसे देते हैं, इसीलिए घूमने के लिए आते हैं, इसका मजा ही अलग होता है। यहाँ पे हिप्पोज हैं क्या? Check this.
नंबर ऑफ बबून सर हेयर, जैसे जंगल में सीन होता है ना, लायन किंग में दिखाते थे, वाटर रॉक भी हैं, आपकी बबून्स भी हैं, पानी पी रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है। सामने आपको दिख रहा होगा वो बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट ऑफिस या कुछ हैं वो फॉरेस्ट के, एंड यहाँ पे हम रुक के थोड़ा खाना पीना बनाएंगे और उसके बाद विल स्टार्ट। ये ब्रिज बहुत टेक्निकल है, 3.5 टन से वॉल ऐड नहीं है इसमें, एक टाइम एक ही व्हीकल। चलो आराम आराम से चलो। हाँ, इस ब्रिज पे बात करना ही मना है। राइट तेरे पास जगह है बेटा सर। पूरे बोट्सवाना ट्रिप में अब तक जहाँ पे हमें एक्चुअली में एक मॉडरेटली डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल आया ऑफ रोडिंग में, जिसमें यहाँ पे लकड़ियों के ये लॉग्स पड़े हुए थे और काफी बड़े बड़े इसमें गड्ढे थे, आधा आधा फुट के भी थे, और गाड़ी इसमें फोर व्हील ड्राइव लो में निकालनी थी। यहाँ पे हमसे गलती हुई कि हमने थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे जाके इसमें फंस जाएगी, और उसके बाद हमने रिकवर किया इसे, लेकिन थोड़ा हमें टाइम यहाँ पे लग गया। यहाँ पे आसपास हमारे कोई भी नहीं है, कोई हेल्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, किलोमीटर तक यहाँ पे इनफैक्ट कोई नहीं है, और यहाँ पे साथ में वाइल्ड एनिमल्स का रिस्क भी है क्योंकि हम बिल्कुल जंगल के अंदर हैं। जनरली यहाँ पे हम उतरते नहीं है क्योंकि गाड़ी फंस गई, इसलिए हमें उतरना पड़ा कुछ टाइम के लिए। ओके, सो द व्हीकल गॉट स्टक देयर। वहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं वो पड़े हुए थे लॉग्स, और एक दलदल टाइप था वो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा था और उसको मिट्टी डाल लगी थी, फिर लकड़ी के वो लॉग्स डाल रखे थे, उससे फिर आपकी गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, और उसमें मतलब आधा आधा फिट की भी गड्ढे थे उसके अंदर, जो गड्ढे क्या मतलब लॉग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ नीचे डिप आता है, फिर वहाँ पानी आ गया, फिर वहाँ कीचड़ आ गया, सारा कॉम्बिनेशन वहाँ पर था। तो गाड़ी में जब निकालने की कोशिश की हमने, थोड़ा हमारा मोमेंटम नहीं बन पाया क्योंकि सामने भी कोई था हमारे, तो वो हमारी गलती हुई, इसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ फंसी,
फिर फंसने के बाद हमने काफ़ी कोशिश की आगे पीछे करके भी, लेकिन नहीं निकल पाई। फिर इवेंचुअली हमने वो भी डाले जो स्ट्रैप्स होते हैं उससे भी, क्योंकि वो टायर के नीचे जा ही नहीं पा रहे थे, बस कुछ यूज़ दे ही नहीं पा रहे थे वो। तो फिर इवेंचुअली जो पुरानी टेक्निक होती है कि स्टेयरिंग राइट लेफ्ट काट के रॉकिंग करी उसके ऊपर, लो गियर तो था ही ऑलरेडी, तो राइट लेफ्ट में जब काटा तो स्टेयरिंग कट भी नहीं रहा था, असल में अटक गया था। तो राइट लेफ्ट में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आया होगा रॉकिंग करने से, आगे पीछे करने से, एक ही बार करी रॉकिंग, दो बार सॉरी, उसमें वो ट्रैक्शन आ गया। फिर गाड़ी एकदम लेके चली, पावरफुल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा गाड़ी में डिमेरिट ये थी कि लोड बहुत था, काफ़ी ज़्यादा पेलोड है गाड़ी इस टाइम, सब सामान हमारा इसी में चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट वॉज, लेकिन अ गुड एक्सपीरियंस, और गाड़ी की रिकवरी हो गई सक्सेसफुली विदाउट एनी इशू, दैट वॉज गुड। तो मिलते हैं आपको अगले एक्साइटिंग एपिसोड में, जिसमें हम अपनी काकानाका साइट पहुँचेंगे और आपको वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी दिखाएंगे।